बहुत कम ऐसा होता है कि आप पब्लिकली कोई अनाउंसमेंट करें कि आप कोई फलानी चीज़ करेंगे और फिर आप वास्तविकता में वो चीज़ करें, स्पेशली अगर आप एक बहुत बड़े उच्च पद पर हो तो। ऐसा ही कुछ सुब्रमण्यम स्वामी जी ने करा है। आज से ठीक 3 साल पहले उन्होंने एक ट्वीट करा था, वन डे आई विल मूव अ PIL दैट इंक्लूजन ऑफ सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आई हैव अ सीक्रेट लीगल वेपन फॉर इट। और ठीक आज यानी कुछ समय पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने PIL दर्ज करी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में आगे जानेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ये दोनों वर्ड आखिर क्यों ऐड किए गए, कारण क्या था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो एक्चुअली और कुछ नहीं, सोशलिस्ट और सेक्युलर का ही काम कर रही है और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी प्रीएम्बल में इन दो वर्ड्स को बाद में ऐड क्यों किया गया। सुभाष कश्यप जी, या कहूँ सुभाष सी कश्यप जी, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ 7th, 8th and 9th लोकसभा के हैं, उन्होंने इस चीज़ पर एक विशेष टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू सेंड अ मैसेज पॉलिटिकली दैट शी यानी कि इंदिरा गांधी स्टूड फॉर पुअर, द वर्ड सेक्युलर वॉज ऑब्वियस मेंट फॉर द माइनॉरिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स ऑफ द एमरजेंसी पीरियड। इट वॉज नॉट एज इफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट सेक्युलर और सोशलिस्ट बिफोर द वर्ड्स वेर एडेड। India has been secular before the 42nd Amendment and continues to be a secular after it. It was merely playing politics, Mr. Kashyap said. ये कहा था कश्यप जी ने, सुभाष कश्यप जी ने, कि सिर्फ और सिर्फ ये एक political stunt था, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि secular और socialist ये दोनों ही चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मौजूद थी, स्पेसिफिकली प्रीएम्बल में लिखने की कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसी चीज़ को सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा और अब हाल ही में उन्होंने PIL भी दर्ज करी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे एडजर्न्ड द पिटीशन फाइल्ड बाय BJP लीडर सुब्रमण्यम स्वामी सीकिंग टू डिलीट द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट from the preamble of the Indian Constitution. A bench of Justice Sanjeev Khanna and Dipankar Datta posted the matter in the week commencing from April 29. यानी कि अप्रैल में इसकी आगे चर्चा होगी हाल फिलहाल, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा था सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कि मैं एक PIL दर्ज करूँगा, उन्होंने ये PIL दर्ज कर दी है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और इस केस में आगे क्या हुआ क्या होगा इनसे अपडेट रहने के लिए काइंडली फॉलो Exact IS। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी कहिएगा कि इसे लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब टू Exact IS। आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।